सबसे ज्यादा जो आकर्षित करने वाला झूला है वो जायंट व्हील है। मैं अपने मम्मी डैडी का इकलौता निकम्मा। तो भैया ये हर माल 5 रुपए चप्पल है, सैंडल बोल सकते हैं इसको, इस तरह के कपों में वो चाय दे सकते हैं, मेले में ऊँट की सवारी कर सकते हैं। इनका मुंह देखिए आप पहले, ठीक है किसी को दुख दर्द ना पता चले, पागल हो रहा है गाइस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम आ चुके हैं लखनऊ महोत्सव, हाँ जी, जिससे सबकी इमोशन जुड़े हुए, इतना पुराना महोत्सव जो लखनऊ का आइकॉनिक महोत्सव है, उसी लखनऊ महोत्सव में हम लोग आए हैं। और अभी टिकट विकेट लेते हैं, देखते हैं आप लोग को बताते हैं कितने का टिकट है और क्या क्या है। बाकी अभी हम लोग ने पार्किंग चार्ज दिए, अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो 40 रुपये और 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो 50 रुपये। तो अब हमारे सामने टिकट काउंटर है जहाँ पर लिखा है प्रति व्यक्ति 30 रुपये। तो भैया टिकट कितने का है? 30 रुपए का। अब भाई जैसे मतलब हम लोग आए फेमस लोग तो कितने का पड़ेगा? तो भी 30 का पड़ेगा, 30 का। फ्री में जाने दे यार, अंदर की बात है। तो भाई यहाँ पर टिकट जो है वो 30 रुपए का है, जैसे कि आप लोग ने देखा, चाहे कोई आ जाए, अक्षय कुमार आएगा तो भी 30 रुपए का है ना सर, उसके लिए तो फ्री। ये क्या बात हुई, हम लोग लखनऊ के अक्षय कुमार है, समझ नहीं रहे हो तुम? तो हम भी नहीं लेंगे फिर, ले लिया क्या? अब पैसे खर्चा कर दिए तो चलो कोई बात नहीं, टिकट ले ही लिया है हम लोगों ने, अगली बार नहीं लेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या सीन है अंदर। तो यहाँ पर हमारे कुछ फॉलोअर्स मिले, तो आप लोग क्या यहाँ पर क्या करने आए? महोत्सव देखने आए, जैसे आप आए। तो लखनऊ महोत्सव के बारे में मतलब क्या जानते हैं आप लोग? पहली बार आए हैं। फर्स्ट टाइम आए? अरे यार फर्स्ट टाइम लखनऊ महोत्सव में, लखनऊ महोत्सव सालों से लग रहा है, अभी बीच में थोड़ा कोविड ओविड के कारण नहीं लगा था, उसके बाद लखनऊ महोत्सव की तरह भारत महोत्सव 50 महोत्सव और लगने लगे, बट ये जो लखनऊ महोत्सव ये आइकॉनिक है, बहुत सालों से लग रहा है लखनऊ में। आप अपने घर में बड़ों से पूछेंगे तो उनको इस बारे में पता होगा, बहुत आइकॉनिक। भाई आपको शायद ये नहीं पता, ये लखनऊ महोत्सव नहीं, लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव है। तो ये योगी जी की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर क्या है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो लखनऊ महोत्सव का नाम चेंज करके लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव रख दिया गया है। तो फिर इसी से हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं अंदर, आप लोग को सारी चीज दिखाते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो ये कुछ है माहौल यहाँ का, अब चलते हैं हम लोग अंदर और देखते हैं क्या सीन है। तो ऐसा कुछ है मतलब बिल्कुल पुराने जैसे महोत्सव लगता था, साइड में लाइट, उसके बाद होम डेकोर्स की दुकानें, बिल्कुल वैसे ही है, देख सकते हैं, मतलब आपको पुराने ज़माने की याद आ जाएगी जब से महोत्सव मतलब लखनऊ में लगता है। बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आज से 5 साल पहले तक लखनऊ महोत्सव हर साल नवंबर में लगता था, बट इस बार थोड़ा इसमें चेंज हुआ है जो जनवरी के एंड में लग रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग बने रहें। पहले अंदर जाके हमें कुछ दिखा है वो चीज़ आपको दिखाते हैं, राजस्थानी डांस। हम लोग लखनऊ महोत्सव में आगे बढ़ रहे थे, तो हमें एक चाय की दुकान दिखी, भाई चाय की दुकान दिखे और हम लोग रुके ना, तो कैसे चल सी चाय के। तो जैसे कि पता है मतलब हर एक बंदे को, हर एक बैचलर को, हर एक इंडियन को चाय बहुत पसंद है, तो हम लोग चाय की दुकान पे जरूर रुकेंगे। जब चाय की दुकान पे रुके, यहाँ के ओनर से बात करी, तो पता चला वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और यहाँ पर चाय की दुकान लगा रहा है जॉब के साथ साथ, तो उसके लिए हैट्स ऑफ। फिर जब उन्होंने हमें चाय ऑफर करी तो हमें ऐसे कप में दिया, मतलब ये नॉर्मल कुल्हड़ नहीं है, ये ऐसा कुल्हड़ है जिसको हम लोग खा सकते हैं, उसका चाय बहुत टेस्टी है, कुल्हड़ भी अच्छा है। बाकी आप लोग जब भी आए तो जैसे ही महोत्सव से 100 मीटर्स आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में इनका स्टॉल रहेगा जिसका नाम है जस्ट चाय बिस्किट, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर चाय टेस्ट कर सकते हो, इस कुल्हड़ को खा सकते हैं, कुछ यूनिक है, तो ज़रूर आइएगा। तो भैया आगे चलते चलते हमको यहाँ पर
हम लोग की मम्मियों के काम की चीज दिखे। भैया ये क्या है जरा बताएंगे? ये क्या है? मैट्रेसेस, क्या बोलते हैं इसको, कालीन? कितने की है ये, क्या रेट है इसका? 5200 की एक। कोई डिस्काउंट है कि नहीं? 25% है, मतलब 5200 का 25% जो भी होगा आप लोग निकाल लीजिएगा। बाकी और क्या क्या है यहाँ पर? ये सब पावदान है, ये भी पावदान ही है। और ये क्या नाम है, कालीन कितनी बड़ी बड़ी है? कोई नंबर होगा ना इसका, कितने बाय कितने की है? 5x8 की है। 5x8 की, उससे भी बड़ी है? 9x12 है। और उनका रेट क्या है, जैसे जो 9x12 की आप बता रहे हैं? उनका बहुत महंगा है। अरे बताएंगे, खरीदेंगे, खरीदने के लिए लगाइए ना, बेचने के लिए आई मीन। अरे खरीद रहे तो है। आप लोगों को बताएंगे ना, जो लोग देखेंगे वो तो आएंगे खरीदने देख के। बात तो सही है। चाचा बताएंगे, बताइए वो अंदर जो 9x12 की कालीन लगी कितने की है? 9x12 की ऐसे हमारे पास जो 2000 से लेके लाख रुपया तक कालीने हैं। कालीने हैं 9x12 बड़ी साइज में, फुल साइज। फुल साइज यही है आपके पास? मिर्जापुर। अच्छा, मिर्जापुर भदोही, भदोही मिर्जापुर से आए। तो क्या डिस्काउंट है, चल रहा है कुछ की नहीं? 20% डिस्काउंट। 25% 25%। तो भैया जो लोग भी यहाँ पर आएंगे देख लीजिए, भदोही मिर्जापुर कारपेट 25% डिस्काउंट मिलेगा। लखनऊ महोत्सव जो लगा हुआ है आपके आशियाना में, जहाँ हर बार लगता था वहीं पर। बाकी सामने आप लोग को झूले तो दिख ही रहे होंगे, चलते हैं आगे और उसको एक्सप्लोर करते हैं, क्या सीन है, क्या उसके रेट्स हैं और देखते हैं। तो भैया यहाँ पर हम लोग को कुछ यूनिक दिखा, कुछ हेल्दी दिखा, और जाड़े आ रहे हैं, मतलब जाड़े खत्म हो रहे हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, आइसक्रीम का मौसम आ रहा है। तो यहाँ पर भैया आपकी शॉप क्या है जरा आप बताएंगे? राजस्थान गजक है, गजक की शॉप है जी हमारी। गजक की शॉप है, आइसक्रीम भी है क्या? नहीं, गजक खिला रहे जी हम, आइसक्रीम नहीं। अच्छा अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन थी, ये गजक की शॉप है। और यहाँ पर क्या स्पेशल है जो आप हमारे लखनऊ वालों को खिलाना चाहेंगे? यहाँ पे दिल बर्फी मिलेगी आपको, पिस्ता बर्फी मिलेगी। रुकिए आप लोगों को पास से दिखाता हूँ। और यहाँ भैया का लुक देख सकते हैं, कुछ अलग ही है। और ये देखिए आपको क्या क्या दिखा रहे हैं। तो ये पिस्ता चिक्की है जी, ये पिस्ता चिक्की है। और इसका टेस्ट अभी खा के आप लोग को बताते हैं। भाई टेस्ट में बहुत बेहतरीन, और ये सब चीजें बच्चों को, हमारे घर के बड़ों को बहुत पसंद आती है, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। ये क्या है? ये दिल बर्फी है, इसमें पिस्ता, बादाम, मेथियाना दिल, गुड़, लौंग, इलायची, काली मिर्च, अजवाइन, ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, स्टेमिना बढ़ाती है, हार्मोन की कमी को दूर करती है। तो आपने ये सब चीजें जो बता दी हैं, इससे तो मतलब ऐसा लगा औषधि है। साल के 2 महीने बनती है, 6 महीने 4 महीने बिकती है बस। क्या बात है भैया, इसको खा के देखते हैं। बिल्कुल खा के देखिए भाई, एकदम बेसन के लड्डू जैसा टेस्ट आ रहा है और बहुत बेहतरीन। दुकान का नाम अल्ट्रा केयर, आप मतलब D20 D21। ओके, आप जब गेट से आगे बढ़ेंगे लखनऊ महोत्सव के, तो आपको 200 मीटर्स पे वाली शॉप दिखेगी लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर जरूर रुकिएगा, और यहाँ पर जो चीजें हैं वो यूनिक है, हेल्दी है, वो चीजें जरूर खरीदिएगा। अजमेर शरीफ का सोनलवा जी, ये अजमेर शरीफ का सोनलवा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देखने अजमेर का स्पेशल सोनलवा जी। ये देखिए भाई कुछ ऐसा दिख रहा है, बाकी पूरा पैक ये है, ये वैरायटी है यार। ये देख सकते हैं, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, तो खाने में क्या होगा आप लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जरूर आए और ये सब चीजें ट्राई करें। बाकी अभी वीडियो बंद करके मैं भी 2-3 पैकेट यहाँ से जरूर लेने वाला हूँ। आइए पधारो हमारे देश। भैया बहुत सही बोले, बोलो घड़ी गम्मा। मैं अपने मम्मी डैडी का इकलौता निकम्मा। क्या बात है भाई, जैसे औसम ये भैया है वैसे इनकी शॉप है, आप लोग देख सकते हैं ऐसी कुछ दिखती है। तो आगे चलते चलते हम लोगों को कुछ होम डेकोर्स की चीजें आई है, जो बाहर से मतलब हमको दूर से खींच के लाई है यहाँ पर। जो ये जो लाइटिंग है इनकी, हमें दूर से अट्रैक्ट कर रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तो भैया आपसे पूछेंगे जरा, इसका रेट वेट क्या है ये चीजें? अच्छा, इसमें आपकी दिवाली वाली लाइट्स है? दिवाली वाली लाइट्स है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप लोग, 300 रुपए का है। और ये ऊपर ये जो झूमर टाइप का, ये क्या, इसका रेट क्या है? ये सर 3,500 से स्टार्ट है और 800 रुपए तक है। ओके, 3,500 से स्टार्ट है और 800 रुपए तक का है ये। आप लोग जब यहाँ पर आए तो ये सब चीजें खरीद सकते हैं भाई, मतलब घर को अच्छा बनाना है तो ये सब चीजें लगाना पड़ेगा। तो भैया उसी शॉप के सामने आपको बच्चों के लिए कैंडी,
आलू बफारा ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, एक से एक स्वादिष्ट चीज़ें। ये सब चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, तो अगर आप लोग अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आ सकते हैं, जस्ट उसी शॉप के सामने यहाँ पर रहिए। तो आप लोग का इंतज़ार ख़त्म करते हैं और चलते हैं झूले की तरफ। अब नेक्स्ट क्लिप जो रहेगी वो झूले की रहेगी, सारे झूले एक्सप्लोर करूंगा। ये देखिए लोग हमारे पीछे झूले के लिए पागल हो रहे, तो हम भी पागल ही हो रहे, बस वीडियो में नहीं दिखा रहे, जस्ट चलते हैं झूले पे। बाकी चीज़ें तो हर बार का सेम है, वैसे ही सारी दुकानें लगती है, कपड़े, कारपेट, लकड़ी के फर्नीचर्स और होम डेकोर्स, चप्पल, जूते, ये सब तो लगते ही है यार। ये सब तो लखनऊ में अमीनाबाद चले जाएंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन झूले तो ओकेजनली ही लगते हैं ना भाई, हम लोग के फेवरेट। तो चलते हैं झूले पे। तो भैया मेले में आए, हमने सोचा भाई झूले तक जा ही रहे, तो रास्ते में जितनी चीजें उनको कवर करते चले, और सब आप लोग के काम की चीजें, इसलिए मैं इन सबको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो आपके सामने हम आ गए हरिद्वार की एक शॉप, जो जूट की चप्पल्स, बैलीज, ये सब बेच रही है, लेकिन वो लेडीज आइटम है भाई। मतलब लखनऊ महोत्सव का जो व्लॉग है वो लड़कों के लिए नहीं, हालांकि कुछ चीजें हैं मतलब लड़कों के लिए, हम लोग पहुंच रहे हैं झूले पे, बट जो अभी तक आप लोग को दिखा रहे सारी लेडीज आइटम है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जूट की चप्पल है, सैंडल बोल सकते हैं इसको, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिनको भी पसंद आएगा वो यहाँ आके देख सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी है मेरे पीछे, मतलब समझ लो एकदम स्टॉक रखा हुआ है। अभी एक ही दो दिन हुआ है मेले को, और कल मैच था वहाँ पर, तो ज़्यादा पब्लिक नहीं आई है अभी भी, तो अभी आपको सारे फ्रेश आइटम मिलेंगे। और ये देखें हमारे पीछे आप जूते भी देख सकते हैं, जो जाड़ों में घर में हम लोग की मम्मी पहनती हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं, आप लोग आएंगे तो। ये हमारे सामने गुल्लक, सिरेमिक के, मिट्टी के पॉट्स, और ये देख सकते हैं आप, ये स्प्रे वाला सिरेमिक का स्प्रे पॉट है आपके सामने, जिसमें आप घर में हैंड सैनिटाइज़र, बाकी पानी कुछ भी रख सकते हैं, हैंड वॉश इसमें भर के रख सकते हैं, एक अलग ही लुक लाएगा ये आपके घर में। ये देख सकते हैं बच्चों के खेलने वाले खिलौने, और घर में सजा सकते हैं, मतलब बच्चे तो नहीं खेलेंगे, बच्चे तो एक बार में तोड़ देंगे इसको, ये चीज़ें देख रहे हैं। और ये आप एक्वेरियम में डालने के लिए ये पत्थर ले सकते हैं, जो कलरफुल पत्थर रहते हैं आप देखे होंगे फिश के एक्वेरियम में, मछली वाले पॉन्ड में, वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मरीन ड्राइव। तो बाकी ये देख सकते हैं छोटे छोटे खिलौने, ये सारे सिरेमिक के, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये देख सकते हैं विंड चाम, आप अपने घर में लगा सकते हैं, हालांकि ये आवाज़ नहीं कर रहा है विंड चाम जैसे, बट हाँ सजाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। तो भैया देखिए आजकल जो मारवाड़ी लोग रहते हैं, मारवाड़ी लोग होते हैं वो बहुत कंजूस होते हैं, तो इस तरह के कपों में वो चाय दे सकते हैं, तो इस तरह के कपों में वो चाय देख सकते हैं, देखने में एकदम खूबसूरत, और बहुत कम चाय आएगी इसमें, आपका खर्चा बचेगा, दूध महंगा हो रहा है, तो ये कप यूज़ कर सकते हैं आप लोग चाय देने के लिए, बहुत आइकॉनिक चीज़ है। तो आइएगा यहाँ पर तो इसको ज़रूर देखिएगा, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, जोक सपाट बहुत खूबसूरत कप है, जिनको आप मेहमानों को जब चाय इसमें देंगे तो कुछ स्पेशली महसूस करेंगे। बाकी ये सब बहुत बेहतरीन है। भैया इन कपों का क्या प्राइस है? ये 100 रुपए के 3 कप है, देख सकते हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो इनको यहाँ रख देते हैं और आगे चलते झूले की तरफ। यहाँ पर कुछ और चीज देखा है मुझे, पिगी जैसा मुंह है इसका, और ये है गुल्लक है भाई। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पिगी बैंक, हिंदी में गुल्लक, और पिगी बैंक को आपको पिगी जैसा ही शेप दिया गया है, तो बहुत जस्टिफाई किया गया है। तो भैया ये हमको यहाँ पर मिला है लेडीज के लिए कुछ सामान, जिसको कहते हैं सिरेमिक का पर्स, मतलब सिरेमिक मटेरियल से बना है, और ये काफी भारी है, इसमें आप सामान तो रख सकते हैं, बट जिस मतलब जिन एरियाज में चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग ये सब होती है, वो लोग ये वाला पर्स यूज करे, और कोई अगर छीनने आए तो यही पकड़ के उसके सर पे मार सकते हैं, जो सपाट ऐसा करने का नहीं, बट सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है भाई, इसका एज अ वेपन भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब लेडीज के लिए बोल रहा हूँ, उनके सशक्तिकरण में काम आएंगे ऐसे पर्स। तो मैं चाहता हूँ फ्यूचर में सारी लेडीज ऐसे ही मिट्टी का पर्स और लोहे का पर्स यूज करें, ताकि कोई जो छीनने आए उसके सर पर दे मारे। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं लेडीज की पसंद, किचन के जितने भी सामान होते हैं वो लेडीज की पहली पसंद होती है, मेले में आके लोग वही ढूंढते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कप, प्लेट्स जो सिरेमिक की हैं उनके लिए शॉपिंग की जा रही है, तो आप लोग भी आइए यहाँ पर, ज़रूर करिए ये सारी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें आपके रोज़मर्रा के यूज़ की भी हैं यहाँ पर, तो उनको आप शॉप कर सकते हैं, और यूनिक भी हैं, जो आपके घर को, आपके किचन को एकदम अलग बनाएंगी। तो भैया चलते चलते हमको मिल गया है ऊँट के गलत साइड पे, हम लोग मुँह के साइड पे जाते हैं, तो यहाँ पर आप मेले में ऊँट की सवारी कर सकते हैं और ऊँट पे घूम सकते हैं मेले को, मतलब जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ घोड़े खच्चर पे आपको ले जाते हैं, यहाँ पर आपको ऊँट पे घुमा सकते हैं। आपका भैया
भैया रेट क्या है मतलब ऊँट पे अगर किसी सवारी करनी है? ₹50 पर पर्सन है। और कितना दूर घुमाते हैं आप? आगे मतलब गेट जो आपके पीछे झूले दिख रहे हैं आपको झूले तक ये ले जाके इस ऊँट से छोड़ सकते हैं। आपको 200 मीटर अंदर आने पर ये ऊँट मिलेगा। यहाँ से आप ₹50 देंगे तो आपको झूले तक ऊँट की सवारी। सोचिए ऊंचाई से आप इस मेले को देख रहे हैं, क्या मजा आएगा भाई। यहाँ पर आ गए, हमको मतलब जैसे बचपन में हम लोग देखते थे लाफिंग बुद्धा, जिनको हम लोग ने बिलीव करते थे कि इनका यूं पेट पेट सो रहा हो तो ये हंसते थे। तो ये चीज़ें मतलब हमारा ओल्ड बिलीफ है, ऑर्थोडॉक्स बिलीफ है। तो इसको देख के हम इस दुकान पे आने से रुक नहीं सके। तो ये चीज़ किससे बने, क्या स्पेशलिटी है भाई, मेले में बिक रहे हैं तो कुछ तो स्पेशल होगा, वो भैया बताएं। ये रेजन होता है केमिकल, ठीक है भैया, इसको ज़्यादा मर्म पाउडर मिला के बनता है। इसको जैसे आप हैंड वॉश भी कर सकते हो, इसका कलर फेड होता नहीं है और अफेंट आइटम है, लॉन्ग लाइफ आइटम है, चले अच्छे वुडन वर्क में होता है सर। अच्छा, गिरेगा टूटेगा नहीं? ज़्यादा हाइट से गिरेगा तो टूटेगा, वैसे हल्का फुल्का कुछ भी नहीं होगा। क्या बात है, स्टार्टिंग हमारे पास 250 रेंज से होती है और ये होम डेकोर के अंडर में आता है। तो इसको आप लोग अपने घरों में सजा सकते हैं और बहुत ही मतलब देख लीजिए इनका मुंह, देखिए आप पहले, मतलब आपके घरों में खुशी आ जाएगी अगर इनको आप ले आएंगे। लाफिंग बुद्धा इनको कहते हैं भाई, बहुत सही चीज़ है। आप लोग आइएगा तो यहाँ पर ज़रूर रुकिएगा और इन चीज़ों को खरीदेगा, आपके घर की सजावट को अलग ही लेवल पे ले जाते हैं ये चीज़ें। तो भैया उसी शॉप के सामने हमको कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन और अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज़ें मिली। ये आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से पीतल का बना है। बाकी इनसे आगे हम पूछते हैं ये सब क्या चीज़ें और किस चीज़ से बनी है। एक मिनट हम छू के देख ही लेते हैं। हाँ जी, ये पीतल या फिर स्टील या लोहे किसी चीज़ से तो बना है, मतलब मेटल से बना है, कुछ भी हो मेटल से बना है। अंकल ये किस चीज़ से बनी है ये चीज़ें? ये सब आयरन पेडल। अच्छा, आयरन से बनी है, लोहे से ही बनी है सब चीज़ें। और ये होम डेकोर्स में ही आती हैं चीज़ें। तो भैया जिस शॉप की अभी मैंने आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए उसका नाम था केप टाउन क्रिएशन और इसका आउटलेट एक लखनऊ में भी खुलने वाला है, मेदांता के पास। मेदांता हॉस्पिटल आप लोग जानते ही हैं, शहीद पथ के बगल में, तो वहाँ पर खुलने वाला है। तो ये चीज़ें आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। अगर जो लोग मेले में नहीं आ पा रहे वो लोग वेट करें, 10 दिन बाद इसका एक आउटलेट आपके मेदांता के पास खुलेगा। गाइज आप लोग बताइए आपको मतलब जाड़ों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होती है या फिर किस चीज़ की याद आती है? भाई देखो गलत कमेंट कोई नहीं करेगा, मैं बात कर रहा हूँ कंबल की, ठीक है? जो लोग बाबू बाबू बोलना चाह रहे हैं वो सब भैया ये सब ना सोचे। तो भाई जाड़ो मतलब जाड़े तो चले गए हैं, अभी गुलाबी जाड़ा बाकी है फरवरी में। ये वीडियो मैं जनवरी में बना रहा हूँ तो गुलाबी जाड़े के लिए भी कंबल की तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। बाकी शादियों का सीज़न आ रहा है भाई, सास का बक्सा तैयार करना रहता है और गिफ्ट देना रहता है, तो आप लोग कंबल भी ऐसा गिफ्ट कर सकते हैं ऐसा। बाकी आप लोग कंबल आके यहाँ से ले सकते हैं। हर चीज़ मतलब जो जो चीज़ें यहाँ पर बिक रही है उन उन चीज़ों को मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप लोग आएंगे तो आप लोग को मतलब वर्चुअल मेला घुमा रहा हूँ मैं। बाकी इंतज़ार ख़त्म करते हैं और चलते हैं झूले की तरफ और आप लोग को दिखाते हैं कौन कौन से झूले हैं, क्या क्या प्राइस रेंज है उनकी। आप आएंगे तो कौन से झूले को पहले झूलना चाहिए, कौन से झूले को स्किप करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को, और व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए कुछ यहाँ पर तंदूरी चाय, जब से फेमस हुई है लखनऊ में तब से हर जगह हर मेले में हर मार्केट में तंदूरी चाय दिखने लगी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तंदूरी चाय, इसकी मेकिंग आप लोग जानते हैं कि इस घड़े को मतलब इस पॉट को गर्म किया जाता है, उसके बाद इसमें जो पहले से प्री प्रिपेयर्ड चाय रहती है उसको उसमें पलटा जाता है, इसके गर्म होने के बाद ये चाय उबलती है, उसका ऐसी कुछ खूबसूरत दिखती है। जिसके पैसे हैं इसी के पैसे हैं, बाकी एस सच कुछ स्पेशल नहीं है। बाकी इसको कुल्हड़ में सर्व करके दे दिया जाता है और नाम है तंदूरी चाय। भाई रास्ते में चलते चलते हम लोग को फूलों की बगिया मिली है। भाई ये फूलों की बगिया आप लोग देख सकते हैं, मतलब कहने को तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं बट एकदम रियलिस्टिक लग रहे हैं। आप लोग के घरों में अलग खूबसूरती लाएंगे, गेट पे अलग खूबसूरती लाएंगे। तो आप लोग को ये सब चीज़ें मतलब बाज़ार में अमीनाबाद इन सब मार्केटों में जाएंगे तो हो सकता है ढूंढनी पड़े, बट मेले में चलते चलते आप लोग को ये सब अपने आप दिख जाएगी, क्योंकि ये मेन रोड है और मेन रोड से बस लेफ्ट साइड में ये दुकान आपको मिलेगी और आपके घरों को अलग चार चांद लगा सकती है, खूबसूरती में चार चांद लगा सकती है। तो ये सब चीज़ें आप लोग आके ले सकते हो, मुझे पता है ये भाई लेडीज़ की पसंद है ये सब चीज़ें, तो आप लोग इसको भी यहाँ पर ले सकते हो। बाकी सामने झूला है, हम लोग झूले के बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, बस झूले तक चलते हैं और आप लोग को एक्सप्लोर करते हैं। तो भैया ये हर माल ₹5 देख के आप लोग के दिमाग में भी घंटी तो ज़रूर बची होगी कि क्या चीज़ है भाई। तो इंतज़ार ख़त्म करते हैं और हर माल ₹5 वाली शॉप पे आप लोग को लेके आते हैं। ये सब देख सकते हैं,
मतलब ये सब छोटे बच्चों और लेडीज का ही सामान है। हर माल 5 रुपए भाई, ये मतलब पिचिंग प्राइस है भाई, 5 रुपए की ये सब चीजें देख रहे हैं, 5 रुपए में इतनी सस्ती चीजें आप लोग भी यहाँ पर आके ले सकते हैं। और बाकी अभी तक हमको लग रहा है मेरा व्लॉग लड़कियों के लिए और लेडीज के ही लिए बन रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें मतलब लेडीज को जो पसंद होती है वही चीजें हैं। भैया यहाँ देख सकते हैं हम लोग चूड़ी की दुकान पे आए, क्या खूबसूरत खूबसूरत चूड़ी है। शादियों का मौसम आ रहा है, आप लोग के मतलब 100% काम आने वाली है ये चीजें, तो मैं काम आने वाली ही चीजें दिखाता हूँ। ये देखिए सोने के कंगन, आर्टिफिशियल सोने के कंगन, इसका प्राइस क्या अंकल? 50 रुपीज। ये सारी चीजें 50 रुपीज की? 40 40 40। अच्छा, ये सब जो कंगन है ये सब 40 रुपए के, और ये जो चूड़ियाँ लगी है कंगन ही है 100 रुपीज। ये जो सबसे खूबसूरत और अलग से सजाए गए हैं ये सब 100 रुपीज के, आप लोग देख सकते हैं प्यार से इनकी वर्किंग, और ये सब मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और आपके जरूर काम आने वाले, क्योंकि शादियों का सीजन है भाई। फ्लेक्स करिए, लोकल चीज पहन के सोने जैसे सोना पहना हुआ दिखिए और फ्लेक्स करिए लोगों को। भैया बस हम लोग झूले की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे तो हमको कुछ बहुत ज्यादा बेहतरीन दिखा, और आप लोग से रूबरू कराते हो उस चीज को। भाई हटो जरा एक मिनट। तो हाँ, आपके सामने दिख रहा है लखनऊ हस्त शिल्प महोत्सव। हाँ जी, लखनऊ हस्त शिल्प महोत्सव, उसके पीछे झूले लगे हैं, बहुत बेहतरीन सा लोग है, क्या लाइटिंग है भाई, बहुत मजा आ रहा है देख के। आप लोग आइएगा तो आपके लिए एक सेल्फी पॉइंट बन सकता है, यहाँ पर सेल्फी बहुत तगड़ी आने वाली है, और अपने दोस्तों के सामने आप दिखावा कर सकते हैं, बोस्ट ऑफ कर सकते हैं कि आप लखनऊ महोत्सव गए थे। हाँ जी, वही आइकॉनिक लखनऊ महोत्सव जिसको आप लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव कहा गया है। चलो भैया इंतजार खत्म करते हैं झूले से, पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। और भाई हमको पेस्ट्री दे रहा है, किसी और को दे रहा होगा बट मैं ले लूंगा। हाँ भाई, ये रही पेस्ट्री, देखिए साइज देखिए कितना बिग साइज है भाई, और खूबसूरत तो है ये। हाँ, अकेले नहीं आया था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल लोग आए हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, भी लोग व्लॉग बना रहे हैं भाई, व्लॉग बना रहे हैं ना। हमारे आशुतोष भाई, हमारे सौरभ भाई, हमारे दीपक भरद्वाज, हमारा परफेक्ट लखनऊ से जो पेज है भाई। तो बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ, लखनऊ महोत्सव में कैसा है? लखनऊ में देखो भाषा का पता चल रहा होगा, हमारा बोल रहे, मेरा नहीं बोल रहे, जहाँ पर हम की आवाज नहीं, जब मैं की भीड़ में हम की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना तान लखनऊ से जुड़े हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। तो कैसा लग रहा है लखनऊ महोत्सव में, अगर किसी को आना है तो क्या रेकमेंड करना चाहेंगे आप सभी? बढ़िया है भाई, आओ फैमिली, मजा अकेले मत आना भाई। एक सीक्रेट बताए, अगर आप लोग गेट पे आप लोग से अगर वो टिकट के लिए बोले तो बोलेगा मीडिया से। सीक्रेट क्यों बता रहे हैं? फ्री में एंट्री दी जाएगी। तो आप सभी लोग वीडियो यहाँ तक देख लें, वीडियो को लाइक करें, जितने लोग भाई बना रहे हैं मजाक कर रहा था भाई, टिकट लीजिएगा जिससे गरीबों को रोजगार मिलेगा, और क्योंकि हस्तशिल्प महोत्सव है तो यहाँ हैंडमेड चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो भाई टिकट लीजिएगा। यहाँ मतलब बड़े लोगों ने दुकान नहीं लगाई है, यहाँ पर हमारे देश के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और जो लोग अपना पर डे मतलब क्या बोलते हैं रोज डेली वेजेस वाले जो लोग होते हैं उन लोगों ने दुकान लगाई, तो जिनका घर डेली वेजेस से पलता है, इसके लिए आप लोग मतलब पैसे खर्च करिए और इन सब दुकानों से चीजें लीजिए जिससे इनका घर चल सके, क्योंकि मॉल से तो आप लोग बहुत लेते होंगे, ये सब हैंडमेड चीजें, और आप कह सकते हैं लोकल फॉर वोकल, ये आपके इंडिया में बनी हुई चीजें भाई, बाहर की चीजें तो बहुत लेते हैं सब लोग, इंडिया की चीजें पहनो यार, खूबसूरती है इन चीजों में। तो भैया अभी हम लोग एकदम लाइट के सामने खड़े। हाँ जी, वही लाइट है, देखिए पहले लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव, उसी की लाइट के सामने एकदम सुंदर सुंदर मुंह दिख रहा है हम लोग का, और हम लोग के सामने झूला है। तो बस इंतजार हम लोग सही में इस बार असली में इंतजार खत्म कर रहे हैं और झूले की तरफ चल रहे हैं, आप लोग को एक्सप्लोर करते हैं झूला, उसके प्राइसेस, झूला क्या है, कौन सा है, कितने मीटर का आपका जायंट व्हील है, कौन सा सबसे बड़ा जायंट व्हील है, किसका क्या प्राइस है, सारी चीजें आप लोग को दिखाएंगे। तो बस वीडियो को देखिए और अब झूले की क्लिप्स आपके सामने होंगी। इंतजार खत्म हो गया, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, हम लोग गेट पे आ गए झूले के, आप मेरे सामने देख सकते हैं ये विशाल जायंट व्हील, इसी पे आप लोग को अभी बैठ के वीडियो बनाते हैं और ऊपर से दिखाते हैं इस मेले का क्या हाल है और इस झूले का एक्सपीरियंस प्राइस सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों मेले में आके मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे पीछे है भूत बंगला, तो इसमें से ऐसी आवाजें आ रही है आप लोग सोच नहीं सकते, आप लोग को आवाजें सुना दो, बस आवाज सुनिए। अंदर कोई पीट रहा है, अंदर कोई पीट रहा है, भैया भाग जाओ यार, बहुत डर लग रहा है, भैया भागो भागो। तो अब वहां से निकल के हम लोग यहाँ आ चुके हैं, हमारे पीछे हेलीकॉप्टर आप लोग देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं ये सब छोटे बच्चों के झूले हैं, ये उससे थोड़े बड़ों के लिए है, कुछ एरोप्लेन टाइप का बना है,
और ये और भी ज्यादा छोटे बच्चों के लिए है, मतलब ये होगा 8 साल के बच्चे इसको झूल सकते हैं आराम से, उनको डर नहीं लगेगा, बढ़िया स्पॉन्जी है। और टिकट प्राइस आप लोग देख सकते हैं, 50 रुपये का टिकट है इस स्पॉन्जी वाले झूले के, जिसमें हवा भरी है। और ये सारे चीज़ें देख सकते हैं, पीछे हमारे कार चल रही है। इधर थोड़ा खाने का भी लगा है भाई, झूला झूल के जिसको भूख लग जाए वो खाना खा सकता है। वो देखिए हमारे पीछे, क्या बोलते हैं इस झूले का नाम बताइएगा, ज़रा अच्छे से दिखाता हूँ आप लोग को। हाँ जी, इस झूले का नाम बताइएगा, क्या कहते हैं इसको। बाकी जाइंट व्हील यहाँ पर 3-4 हैं, कुछ बहुत ऊँचे हैं, कुछ थोड़े कम ऊँचे हैं, उन सब के प्राइसेस आपको अभी जस्ट रिवील कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने दीजिए। तो भाई छोटे बच्चों के लिए हमारे सामने कोई झूला है जिसका नाम बतख झूला है, तो इसका क्या रेट है और कितने राउंड में देते हैं भाई बताएगा। हाँ भाई बताओ कितने रुपये का है। 50 रुपये में 10 राउंड देगा ये झूला भाई, 50 रुपये में 10 राउंड आप अपने बच्चों को घुमा सकते हैं या फिर। और इस पे कितने, मतलब बड़े भी बैठ सकते हैं इस पे, बड़े नहीं बच्चे बैठ सकते हैं। कितने साल के? 8-10 साल के। 8-10 साल के बच्चों के लिए झूला है, बड़े नहीं बैठ सकते। तो भैया अब हमारे सामने, हमारे पीछे कोलंबस झूला है, जो कि जिसपे मतलब आप अपने दोस्तों के साथ बैठ कर एकदम नाव के एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, बहुत मजा आने वाला है, एकदम एडवेंचरस हो गया है इस एरिया में आके, ये महोत्सव एकदम एडवेंचरस हो रखा है, बहुत मजा आएगा। 100 रुपए का इसका प्राइस है एक आदमी का, बट अभी थोड़ा सा देखते हैं इनको, थोड़ी मिठाई देते हैं, थोड़ा मीठा मारते हैं इनको, देखते कितने रुपए का प्राइस हम लोग के लिए कर सकते हैं। बाकी आप लोग का अगर कोई ऑफर होगा तो वो भी मैं बताऊंगा इनसे पूछ के। तो चलिए चलते हैं इनके पास और देखते हैं कि कितने रुपए का टिकट हम लोग को दे सकते हैं। तो भैया ये रहा कोलंबस झूला और ये रहे उसको टिकट लेने वाले। भाई कितने रुपए का टिकट है? 100 रुपए का टिकट है भाई। और कितने राउंड झुलाते हो? 6 राउंड। 6 राउंड कोलंबस का, 6 राउंड 100 रुपए का, ठीक है। तो भाई 100 रुपए का झूला है ये, और यहाँ पर मतलब भाई बोल रहे कुछ डिस्काउंट तो नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, 100 रुपए भी मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, वर्थ है झूला 6 राउंड, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, एडवेंचरस झूला है। बाकी चलते वो जो सबसे बड़ा जाइंट व्हील हमारे सामने दिख रहा है उस पर, ये भी देख सकते हैं गोल गोल घूमने वाली ट्रेन, ये भी बहुत बेहतरीन है। इस पे भी बैठ के एकदम एडवेंचरस वाला माहौल हो जाएगा। और भी बहुत तरह के झूले हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो आकर्षित करने वाला झूला है वो जाइंट व्हील है, और सबसे ज्यादा मजा भी आता है मेरे ख्याल से यहाँ पर, सबसे ऊंचा जाइंट व्हील यही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको ये वाला जाइंट व्हील ऊंचा लगा सबसे, या फिर ये वाला जाइंट व्हील, या फिर ये वाला जाइंट व्हील। अरे भैया सबसे ज्यादा डर लगने वाला झूला है वो ये हैमर है, ऊपर जाके उल्टा कर देता है, उल्टा करके रोक देता है 360 घुमा के, मतलब समझ लो आप इमेजिन कर सकते हो, आप ऊपर यूं करके उल्टा लटके हुए हो एक झूले में बंद के। इसके एक्सीडेंट्स तो फिलहाल अभी तक देखने को नहीं मिले, तो कह दूंगा कि सेफ झूला है, लेकिन सबसे ज्यादा एडवेंचर है। इसको झूलने के लिए आप लोग, जिन लोगों को ऊपर वाली जेब में मोबाइल और पैसा रखने की आदत है, तो वो चीज़ ना करें, वरना फिर लॉस हो सकता है, ऊपर से जब कुछ चीज़ गिरेगी तो वो टूटेगी भाई। आप लोग आएंगे, आप लोग बढ़िया बजट लेके आइएगा, 100-100 रुपए के झूले, 50-50 रुपए के झूले आप लोग यहाँ पर आकर झूल सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ये एरिया लखनऊ महोत्सव का सबसे ज़्यादा एडवेंचरस पार्ट है, तो इसको ज़रूर करिए। तो भैया ब्रेक डांस झूले का नाम तो आप लोग ने ज़रूर सुना होगा, ये वही झूला है जो चलते चलते अचानक से रुक जाता है और अपना रुख चेंज कर लेता है, दूसरे डायरेक्शन में चलने लगता है, वही ब्रेक डांस है। और इस पर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जिन लोगों ने इस पर पहले झूल रखा है वो लोग ज़रा कमेंट करके हमको बताएं। और ये जो हमारे पीछे झूला है इसका नाम मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये घूमते घूमते ऊपर जाता है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ तक जाता है, ऊपर घूमते घूमते जाता है सुदर्शन चक्र की तरह, और वैसे ही घूमते घूमते नीचे आ जाता है। तो इसका नाम हमको बताइएगा, इसका भी प्राइस 100 रुपए है, तो आप लोग आ सकते हैं, इसका भी मजा ले सकते हैं। और अगर आप लोग, रिसेंट एक वायरल हुई थी वीडियो इंस्टाग्राम पे, ऐसे ही एक झूला था जो गया तो था घूमते घूमते ऊपर, लेकिन वहां से उसका ब्रेक फेल हो गया था, अचानक से भड़ से आके नीचे गिरा था। भैया ले लिया है टिकट, अब जा रहे हैं जाइंट व्हील पे, और आप लोग को दिखाते हैं जाइंट व्हील से ये मेला कैसा दिख रहा है ऊपर से। बस चलिए हमारे साथ जाइंट व्हील के ऊपर, बहुत डर लग रहा है भाई, अंदर से बहुत डर लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, आप लोग के लिए हम ये खतरा मोल लेने जा रहे हैं, तो अगर मैं जिंदा वापस ना लौटूं तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कर दीजिएगा, और बहुत प्यार बचाइएगा, क्योंकि ये खतरा सिर्फ आप लोग के लिए मैं लेने जा रहा हूँ। तो फिर बस कुछ सेकंड में जाइंट व्हील के ऊपर बैठ के आप लोग को दिखाते हैं। तो भैया जाइंट व्हील पे बैठ चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर जाके लटका दिया हम लोग को, और इस वक्त हम लोग एकदम टॉप पे है। आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ का व्यू देखिए आप ऊपर से,
और यहाँ पर एक छोटा बच्चा हमारे सामने बैठ गया है, किसी का खो गया है, वो एकदम चिल्ला रहा है। आप व्यू देखिए बस भाई साहब, मेले का व्यू, ये है मेला, यहाँ पर अपन लोग सब है अकेला, बहुत मजा आ रहा है। ये बच्चा बहुत ज्यादा डर रहा है, तो गाइस बहुत मजा आ रहा है, एकदम फुल अपनी तेजी पे चल रहा है ये झूला, और नीचे से ऊपर गोल गोल घुमाया जा रहा है हम लोग को। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बस व्यू देखिए, व्यू लीजिए, व्यू 100 रुपए दिया है, वर्थ है भाई, 100 रुपए वर्थ है। चेयर नहीं है भैया, रिएक्शन लीजिए आप बस। अकेले तो आने, अकेले आ जाओ, ठीक है, किसी को दुख दर्द ना पता चले। पागल हो रहा है गाइस, भाई भाई बहुत है, अरे भाई ये लड़का मेरे सामने पागल हो रहा है, जॉइंट व्हील पे बैठ के गर्लफ्रेंड के साथ बताना यहाँ पे, जॉइंट व्हील को व्हील चेयर बोल रहा है, भाई व्हील चेयर पे कल बोलना ना, जॉइंट व्हील को व्हील चेयर बोल रहा है, पागल हो गया ये, बस चार राउंड में पागल हो गया है, अरे भाई ओपी है। जॉइंट व्हील झूलने के बाद रिएक्शन, कहीं भी जगह मिली रास्ते में बैठ गए हैं, बहुत बुरा हाल है। झूला झूलने के बाद हालत खराब हो चुकी है, इसके बाद कोई ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग आइएगा लखनऊ महोत्सव घूमिएगा, आइकॉनिक लखनऊ महोत्सव है, पहले की तरह वो क्या बोलते वाली वाइब नहीं है हमारे साथ, हालांकि लखनऊ वाइब्स है, तो पहले की तरह वाली वाइब नहीं है इस लखनऊ महोत्सव में, बट ठीक है, बढ़िया है। आप लोग को शॉपिंग करने के लिए बहुत चीज़ें मिलेंगी, जो चीज़ें आप लोग मेले में ढूंढते हैं, मतलब वही पुराने मेले में ढूंढते हैं, जिस तरह के मेले आप लोग सोचते हैं उस तरह का ही मेला है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में लखनऊ के। जय हिंद। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया कौसर रिजिल, तो ये थे कौसर रिजिल। अब मैं